नमस्कार, एंटरटेनमेंट स्वैग में आप सभी का स्वागत है। प्रियंका चोपड़ा ने भले ही बॉलीवुड से दूरी बना ली हो, लेकिन जल्द वो एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट में नजर आएंगी। ये उनकी तीसरी हॉलीवुड फिल्म होगी। इजंट इट रोमांटिक एक अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट है। ये फिल्म भारत में नेटफ्लिक्स पर 28 फरवरी को रिलीज होगी। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा को छोड़कर बाकी दुनिया में भी इसी दिन ये फिल्म रिलीज होगी। प्रियंका के अलावा इस फिल्म में राबेल विल्सन, लियाम हेम्सवर्थ और एडम डिवाइन भी होंगे। अमेरिका और कनाडा में फिल्म पहले ही यानी 13 फरवरी को रिलीज हो जाएगी। इस फिल्म में राबेल विल्सन न्यूयॉर्क बेस्ड एक आर्किटेक्ट की भूमिका निभा रहे हैं, जिसे अपनी पहचान बनाने के लिए वर्क प्लेस पर काफी मेहनत करनी पड़ती है। काफी कोशिशों के बाद वे आर्किटेक्ट का जॉब छोड़कर कॉफी डिलीवर करने लगती हैं। फिल्म में प्रियंका का किरदार एक योगा ट्रेनर इसाबेला का है। ट्रेलर में वे बहुत कम समय के लिए दिखाई दी हैं। वे रोमांस करती दिखेंगी। बता दें, प्रियंका शादी के बाद हॉलीवुड प्रोजेक्ट में बिजी हैं। दिसंबर 2018 में उन्होंने भारत में सिंगर निक जोनस से शादी की थी। ये समारोह 3 दिन तक चला था, लेकिन इस शादी में प्रियंका चोपड़ा से उनकी मां मधु चोपड़ा नाराज हो गई थी। इस बात का खुलासा हाल ही में प्रियंका ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटरटेनमेंट स्वैग। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।